सत श्रीकाल जी, पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है। क्यों हो रही है कोले की शॉर्टेज और क्यों लग रहे हैं बिजली के कट? पंजाब अते देश के कई होर सूबे बिजली के बहुत वड्डे वड्डे कट लग रहे हैं, जिस कारण नागरिकों के भारी रोस पाया जा रहा है। पंजाब के किसानों वालों रोस मार्च भी कढ़े जा रहे हैं, क्योंकि ये समा उन्होंने वाढ़ियां का समा है। बिजली की कमी होने कारण आने वाली फसल लई भी बिजली की कमी होने कारण उन्होंने मुश्किल का सामना करना पै रहा है। भारत में 70% बिजली कोलियां वाले थर्मल प्लांटा राही बनाई जाती है। ताज़ा जारी किए हुए अंकड़ों मुताबक 100 तो भी ज़्यादा थर्मल प्लांट विचों कोले का स्टॉक बहुत ज़्यादा घट गया है। हरेक थर्मल प्लांट विच कोलियां दी स्टॉक लई एक मिनिमम थ्रैशहोल्ड लैवल फिक्स किया हुंदा है, ते हुण स्टॉक मिनिमम थ्रैशहोल्ड लैवल दा 25% तो भी घट रह गया है। कई थर्मल प्लांट अजिहे हन जिन्हां विच कोले दा स्टॉक 10% तो भी घट गया है। कोले दी शॉर्टेज दा सब तो वड्डा कारण भारत दी बिजली दी डिमांड दे विच वाधा होना है। मार्च दे विच गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े सन, अते हुण अप्रैल दे विच तां गर्मी ने कहर ढाया होया है, जिस कारण एसी दी वरतों बहुत ज़्यादा वध गई है। दूजे पासे यह महीना कणक दीआं वाढ़ियां दा भी महीना हुंदा है, जिस कारण खेतां विच वी बिजली दी लोड़ पैंदी है। इन्हां दोनों कारणां करके बिजली दी डिमांड इन्नी ज़्यादा वध गई है कि साडे कोल कोले दी सप्लाई घट गई। केंद्र सरकार दी कोले दी सप्लाई उत्ते बनी कोर मैनेजमेंट टीम कहा कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु अते पंजाब दे कोल माइनिंग इलाकियां विच भारी बरसातां कारण इस साल कोले दी प्रोडक्शन बहुत घट हुई है। इस तों इलावा थर्मल प्लांट्स दे विच पहलां तों ही कोले दी कमी सी। केंद्र सरकार वल्लों जारी किए हुए अंकड़ियां अनुसार भारत विच इंपोर्टेड कोले तों बिजली दी प्रोडक्शन विच 43.6% कटौती हुई, जिस कारण बिजली बनाउण लई 17.4 मिलीटन लोकल कोले दी होर वरतों हुई अते वाधू बोझ कारण कोले दे रिजर्व होर घट गए। कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि भावें उन्होंने कोले की सप्लाई 14.2% वधा दिता है अते होर भी सप्लाई वधाउण की कोशिश कर रहे हैं, पर इस नाल हाले भी बिजली कटां तो राहत नहीं मिल रही। कोले की सप्लाई कटन कारण कई जगह पर बिजली के रेटों विच भी बहुत वाधा होया है, पर सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वालों वाधे नूं रोकण लई कैंपिंग भी लगाई गई है, ता जो इसका बोझ देश के नागरिकों उत्ते ना पवे। केंद्र सरकार ने सूबिआं नूं वध रही बिजली की डिमांड के कारण सूबिआं दे विच कैप्टिव कोल रिजर्व नूं 25% तक वरतन लई आग्या दे दित्ती है। इस तों इलावा केंद्र वल्लों इंपोर्टेड कोले नूं ब्लेंड करके बिजली बनाउण दी भी आग्या दे दित्ती है। केंद्र सरकार कोले नूं इंपोर्ट वी कराउण जा रही है, पर इंपोर्टेड कोले दे महंगे होण कारण इह औखा हो रहा है। केंद्र सरकार अते सूबा सरकारां नूं चाहीदा है कि उह अपनी कोले वाले थर्मल प्लांटां दे उत्ते निर्भरता घटाउण अते नागरिकां नूं सोलर सिस्टम जां होर ग्रीन एनर्जी दे साधनां वल सबसिडियां दे के जागरूक करन। पंजाब अते होर उत्तरी भारत दे हिस्सियां विच अजिहे मौसम विच सोलर पावर प्लांट बड़े कामयाब हो सकते हैं। सरकारां नूं चाहीदा है कि उह वध तों वध सोलर कंपनियां नूं भी सबसिडियां देण, तां जो लोक अपने घरां विच सोलर पावर प्लांट सस्ते रेटां ते लवा सकण अते कोले वाले थर्मल प्लांट जो कि प्रदूषण भी करते हैं दे उत्ते बिजली बनाउण दा लोड कट सके। चल रही हीट वेव अते उत्तों लग रहे बिजली दे कट नागरिकां दा हाल बेहाल कर रहे हैं। सरकार भावें पूरियां कोशिशां कर रही है कि इस समस्या दा जल्द तो जल्द निजात पाई जावे, पर नेड़ले समय विच इह हाले औखा काम लगता है। हुण इन्हां बिजली कटां तो कदों निजात मिलेगी, इह तां आउण वाला समां ही दसेगा। इहो जिही जरूरी जानकारी लई जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। सत श्री अकाल।